उसका मैं पहले आपको थोड़ा लास्ट डे पर से बता दूं, क्योंकि धर्म के नाम से आज तक ये परिवर्तन नहीं आया, ये भी सच्चाई है। अब धर्मगुरु के माध्यम से अगर असाध्य रोग ठीक होते हैं तो दुनिया तो विज्ञान वाले तो आश्चर्य करेंगे ही करेंगे। कलयुग के कारण से तो सालों की दास्ता कारण से हमारा धर्म एक पतन के काल से गुजरता हुआ, और पतन की भी एक सीमा होती है, जब नीचे गिरने कोई स्पेस नहीं तो फिर उत्थान शुरू हो जाता है। असंस्कृति का उत्थान पतन होता है, तो हमारा भी अभी उत्थान शुरू हो गया। ये धर्म विश्व धर्म होगा, केवल उपदेशात्मक ढंग से कथा बांधने से तो अगर दुनिया मानती तो अभी पहले मान जाते। तो योग की बड़ी चर्चा है, कुंडलिनी जागरण की बड़ी चर्चा है, पश्चिम मान चुका है कि धनबल और जनबल से तो हमने जोर लगा लिया, शांति हो नहीं सकती। अब केवल एक ही है आत्मबल से, अगर मानव में कुंडलिनी जागृत हो जाए तो ही विश्व शांति संभव है। ये शारीरिक कसरत योग के नाम से पूरे दुनिया में हो रही है। मैं अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत इसी को योग कहते हैं। और भारतीय दर्शन में जिस योग का वर्णन आता है उसका तो मूल उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है भाई। उसमें भारतीय योग दर्शन रोग की बात ही नहीं करता। पातंजलि योग दर्शन की दुआई देकर, पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, 195 सूत्र है उसमें, उसमें कहीं भी रोग का वर्णन नहीं आया, कहीं नहीं है। वो तो जो संस्कार जो हमारे पूर्वजन्म के उसके बीज नष्ट करने की बात करता है। पातंजलि योग दर्शन के 4 चैप्टर है, 4 पाठ है, समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति पाठ और कवल पाठ। पहला पहला है चैप्टर समाधि पाठ। उसने ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये जो भगरा है रुकता नहीं है, ये जब तक चुप होकर बैठ नहीं जाएगा तब तक ना ध्यान है ना कोई योग। और समाधि पाद में 24 से लेकर 29 सूत्र तक स्पष्ट कहा है ऋषि ने कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं, ईश्वर के नाम के जप में ना कोई योग सिद्धि नहीं, कोई मुक्ति का कारण नहीं। इस युग में केवल ईश्वर का नाम जप ही मोक्ष पहुंचाता है, मोक्ष पर पहुंचा देता है। अब मोक्ष तक विकसित जब आदमी होता है तो उसके सारे जब तक कष्ट दूर नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा विचार वो मतलब ज्ञान जो प्रकट हो रहा है मेरे जैसे एक साधारण आदमी के माध्यम से। मैं भी आपके जैसा एक दृष्टि आदमी भाई, कोई विशिष्ट आदमी नहीं, कोई महान आदमी नहीं। मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए। रही तो एक व्यवस्था चली आ रही है हमारे गुरु शिष्य परंपरा शुरू से, किस श्रद्धा के हिसाब से नीचे बैठ। तो इसमें दो तरीके हैं देने लेने की, किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं। मैं आपको हाल बता दूं, जैसा आपका शरीर वैसा मेरा शरीर, मुझ में परिवर्तन आ गया, नाथ जी की शरण में गया, आप में भी वो परिवर्तन आ सकता है, हर मानव मात्र में वो परिवर्तन आ सकता है, स्त्री पुरुष में वो परिवर्तन आ सकता है। केवल ये अपने आप को समझने की जरूरत है, आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, आप क्या हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अजर अमर है। हमारे धर्म का भी गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। मुक्ति कोई खिलौना है, गुरु के पास जाते हैं आपको हाथ में पकड़ा देगा भाई। वो तो एक रास्ता बताता है कि इस ये मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता है, और वो केवल एक ही है नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर न करी पा रहा। कलयुग में केवल ईश्वर के नाम से ही सारे समस्या मानता होता है, समझे। तो मतलब मंत्र दीक्षा का विधान देखे योग, मतलब यट योग, सहज योग, जय जप योग, लय योग, कई तरह के योग। मैं जो
जिसकी दीक्षा दे रहा हूँ वो है सिद्ध योग। सिद्ध योग इसे सिद्ध योग कहते हैं, शक्तिवाद दीक्षा। इसमें गुरु जो है चार तरह से साधक को चेतन करता है, पुनर्जन्म को चेतन करता है, आत्मचक्र आज्ञा चक्र पर मूलाधार पर, या फिर मंत्र से, या फिर नजर से भी शक्ति बात होता है। और चौथा एक दीक्षित शिष्य जो ले जाता है, गुरु बैठा देख कर ले जाता है, वैसे तो बहुत कम होता है। जैसे एकलव्य ने ले लिया, लाने दे वो कवि साहब ने ले लिया, तो इस प्रकार से एक परिवर्तन आ रहा है। ईश्वर के नाम जब से आ रहा है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई करिश्मा नहीं है। लोग दिखावा करते हैं, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम देखो कैसे धार्मिक है। अब मैं कई जगह कह देता हूं, हमें कोई कुछ है क्या किस जाते किस धर्म को कलेजी हिंदू है, फिर कोई पूछ ले कि हिंदू क्या होता है। यूरोप में कई मतलब वहां के जिज्ञासु लोग पूछते हैं व्हाट इज हिंदुइज्म, तो फिर वही वो घंटी बज रही है। मैं कहता हूं पूर्ण पूर्ण मनुष्य का मतलब ही हिंदू है, चाहे वो कोई जाति का है कोई धर्म का है। हिंदू धर्म मनुष्य के पूर्णता की बात करता है। वैसे अरविंद ने एक जगह लिखा है कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बींग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, उसको निरंतर परिवर्तन आ रहा है और वो पूर्णता प्राप्त करेगा। नरसिंह की भविष्यवाणी है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, डिवाइन फॉर्म में बदल जाएगी। इससे विज्ञान लोग बहुत परेशान है, पर एड्स और कैंसर ठीक हो रहा है, इसका पहले जवाब क्या है हमारे पास। तो मैं जो आपको इसमें दो ही तरीके हैं भैया, नाम जप और ध्यान। पहला तो नाम जप, जो गुरु देता है उसको निरंतर जपना होता है। राउंड जी के लोग अब एक जब विज्ञान ट्रेवल से ए जपा जा भाई, आपके अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा। रैदास के एक भजन से स्पष्ट होता है ए जपा क्या है। रैदास के गुरु ने बताया कि बेटा एक नाम जपो तो जपना लिखे बेचारा, अब वो बंद ही नहीं हुए तो रैदास जी परेशान हो गए। वो कहने लगे अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। इस प्रकार आप जो बीमार है, कैंसर है, एड्स है, कोई भी ऐसा अगर रोग है ठीक हो रहा है, समझे महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला मंत्र वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया, आज भी वंदे मातरम नहीं बोल दिया जा रहा है, ये बात फैक्ट है। और दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र होगा। मैं जो दीक्षा दे रहा हूं वो संजीवनी मंत्र है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि संजीवनी मंत्र है क्या आकर लक्ष्मण के तीर लगा सत्य का तो बेहोश होकर मूर्छित हो गए, हनुमान जी लाए संजीवनी रूप, उससे वो होश में आ गए चेतना में आ गए। अगर मर जाते तो संजीवनी काम नहीं करता। तो आपको चाहे एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कुछ भी है, मेडिकल साइंस ने असाध्य कह दिया है, ये मंत्र आपने सुन लिया तो फिर मरोगे। एक केस यहां आया था, इस बरंडे में लेटा हुआ था पवनलाल नाम का, तो 2000 की बात, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में एडमिट था जोधपुर में। ड्रिप चल रही थी, ड्रिप बंद हो गई, डॉक्टर ने कहा ले जाओ, ये 2 सेकंड लगे मेहमान है। तो उसके छोटे भाई को किसी ने बताया कि हाँ गुरु जी बैठता है, कहते हैं रोग ठीक होते हैं, नहीं मरा रहा। श्याम को बृहस्पतिवार को यहां ले आए, तो उसने मुझे बताया कि गुरु जी न मैं बोल सकता था, न आंख खोल सकता था, न हिल डुल सकता था, इतनी शक्ति थी ही नहीं, सुन सकता था, समझ सकता था। वहां बरंडे में बैठे लेटे ने आदमी ने उसने वो नाम सुना और जपना शुरू कर दिया। तो
तीन चार दिन में कोमा से बाहर आ गया और अब वो आदमी आज भी पूर्ण स्वस्थ है, 7 साल हो गए, समझे। तो ये एक ऐसा मंत्र है, शक्तिवादी से ऐसा सिद्धांत है, ये संजीवनी मंत्र है, इसके बारे में अरविंद ने लिखा है, वो मास्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, समझे ना, पर नोट येट रिवील, नोट अभी प्रकट नहीं हुआ है। तो मैं तो राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ भाई, वो कृष्ण की शक्ति है क्या आपको जीवन दे देता है, वो पूर्ण अवतार कृष्ण जो है पूर्ण अवतार थे, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अब वो ठीक है, कृष्ण के नाम से दुकानदारी चल रही है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, योग के नाम से जो बाजार लगा हुआ है खूब बिकता है, आराम से योग बिकता है, वैश्व भी बिकता है, हमारे एक इस देश में नहीं बिकता, अमेरिका में बिकता है, खूब महंगा बिकता है। तो इस प्रकार जो आपको नाम बताऊंगा उसको आपको जपना है, हर समय जपना है। दूसरा ध्यान, अब हमारा योग दर्शन कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो देवता और दानव दोनों आपके अंदर है। एक कैंसर का डॉक्टर आ गया था मेरे पास 2000 के आसपास बीकानेर में, आजकल वो आगे चल गया, आजकल वो अजमेर में है स्टूडेंट। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक क्यों नहीं होता, कहने लगे मुझे पता ही नहीं है अभी इसके जड़ कहाँ है। मैंने उसको कहा कि बीबीसी से एक न्यूज आई थी कि शरीर के कुछ ऐसे जीन्स मतलब विकृत हो जाते हैं, कोई ऐसी शक्ति उनको आत्महत्या कर लेने के लिए प्रेरित करती है, और इस प्रकार उसका आदेश मान करके सेल्स जो है गलने लगते हैं, मर जाते हैं और आदमी मर जाता है। तो करने का फिर बात इफेक्ट है। तो अब सुनो, हम मेरी बात सुनो, हम जो कर रहे हैं भाई, हम कहते हैं देव और दानव अंदर है और किसी कारणवश दानव प्रभावी हो गया, रावण पावर में आ गया, उसका तो काम अपना वो मारना काटना, उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो उसी आदमी में जिसमें रावण प्रभावी हो गया, अगर राम प्रभावी हो जाए तो वो कह देंगे इस राक्षस का कहना नहीं मान, तो फिर कहने लगे जी तो कैंसर क्यों होगा। सही, मैंने कहा ये ठीक है, मैं जानता हूं आप आसानी से नहीं मानोगे, फिर उसके बाद में मैंने शुरू कर दिया कि राम को चेतन करो, रावण को मारो। ये आदमी के अंदर जो रावण मतलब तामसिक और सात्विक वृत्तियों का द्वंद जो है अनाधिकार से चला, आज रावण प्रभावी है दुनिया। तो कल पहले गोरा जी आगे पड़ोसी से बॉम्बे से आए, उनको हेपेटाइटिस बी और ब्लड कैंसर, और गांधी मैदान में प्रोग्राम होता था, आश्रम आश्रम नहीं था उस वक्त, तो वो आ गए और 22वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया, वापस बॉम्बे चले गए। फिर मेरे शिष्य ने बताया जी ये तो हेपेटाइटिस बी टेस्ट ठीक हो गया, उन्होंने कहा जी ये तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव लाओ नेगेटिव। बॉम्बे फोन किया गया उनको, उन्होंने कहा जी सारा मामले चौकट भेज गया, फ्लैट भेज गया, सामान भेज गया, मेरे पास तो नहीं है, रिस्क टेस्ट कर लेते हैं 5,000 रुपये आप भिजवा दो। अब हमारे कहां से न लेते न देते, तो मैंने कहा वही रहने दे, आज वो आदमी है नेगेटिव में जिंदा, अभी इंटरव्यू हुआ था पिछले प्रोग्राम में, मगर वो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, 5,000 रुपया नया वो कर सकता है, नया दे सकता। तो इस प्रकार हर एक रोग ठीक होता है, हेपेटाइटिस बी तो ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर ने कहा, बॉम्बे में डॉक्टर ने कहा जी विश्व में करोड़ों आदमी इससे ग्रसित है, हम जानते हैं कि ईश्वर नहीं बता सकता, वो ठीक हो गया। तो इस प्रकार सारे रोग ठीक हो जाएंगे, एड्स वालों घबराइएगा नहीं, एड्स का आदमी अगर जो नाम बताऊंगा वो जपना शुरू कर देगा तो 45 दिन में नेगेटिव हो जाएगा, 45 हो रहे हैं, एक नहीं हजार हो रहे हैं। अब तो मेरे रिपोर्टें लेनी बंद कर दी, पड़ी है ढेर सारी रिपोर्टें पूरे देश की, कम से कम 7-8 हजार लोगों की। अब वो डॉक्टर से मैं कई डॉक्टर मेरे शिष्य, उन्होंने कहा जी आप बोलो, उन्होंने कहा जी हम तो बोल कैसे सकते हैं, डॉक्टरी समाज को छोड़ के सकते। एक डॉक्टर ने बोला कि गुरु जी मेरे संदेश दिया, गुरु जी ये बाहर घटने बैठने की आप कहते हो, आज भंवरलाल जो है 46 kg पे गया, पहले 65 kg वजन था तो एड्स डिक्लेयर हुई, और चलते चलते 46 kg आ गया, आज वो 90 kg का। तो
कोई डॉक्टर ने मैसेज किया हो कि आप ऐसा ही नहीं वायरल लो, टेस्ट करवा लो, वो अगर पता से नीचे चला जाएगा ना तो फिर एड्स खत्म। अब मैं क्या जाऊँ सीधी खोर सीधी है क्या होता है अच्छा ये वायरल क्या होता है, मैं डॉक्टर तो नहीं भाई, वही तो उनकी तरफ से मैंने सुनाना कर दिया, शुरू करवा दिया, वो 20 से भी नीचे आ गया, कईयों के बिल्कुल नेगेटिव आ गया। बॉम्बे में एक लड़की का हस्बैंड मर गया जे जे हॉस्पिटल, तो टेस्ट कराने गई मेरे से दीचा भैया चार पांच बार टेस्ट कराने गई, डॉक्टर ने 3 दफा खून लिया, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप करो उसको 1 दफा खून लेते हो, कहने लगे तेरा हस्बैंड तो कैंसर से मरा था ना, हाँ, तो तेरा एड्स एड्स कैंसर एड्स से मरा था, हाँ, तो तेरा तो है नहीं एड्स, तो एम्स में सारी रिपोर्ट जा रही है, मगर वो सरकार इसलिए परेशान है कि इसको कैसे हाईलाइट करे, मतलब विज्ञान के पास स्पिरिट नाम की कोई चीज नहीं, मैटर ही मैटर है, समझे। अब जो मुझमें परिवर्तन आ गया, देखिए अगर मुझमें परिवर्तन नहीं आता तो आपको भी कुछ नहीं दे सकता था। नाम जपा 42 साल की उम्र से शुरू किया था ये नाम जपना, और आज 81 पूरे हो जाएंगे, 24 नवंबर इसको 82 में लग जाऊंगा, तो इस कारण से मुझमें तो बदलाव आ गया, और मैं आपको बताऊं तो आप में आ जाता, मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, कोई कुछ नहीं दे सकता, समझे ना। आपको एक तरीका बताऊंगा, उसका नाम जपोगे तो अंदर वाला डॉक्टर चेतन हो जाएगा। मैं डॉक्टर पेशेंट्स को कहता हूँ, डॉक्टर्स को भी कहता हूँ कि बाहर जो बैठा है डॉक्टर उसका इलाज लेते रहो। मैं साइंस को कभी इनकार नहीं किया, साइंस एक सच्चाई है मगर अभी अपूर्ण सत्य है, पूर्ण नहीं है, समझे समझे। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु तो अपने टाइम के बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है ये विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है, तो हमारा ये दर्शन जो है पूर्ण विज्ञान है, और विज्ञान को एक सप्लीमेंट्री चीज दे रहा है, विज्ञान का विरोध मैंने कभी नहीं किया, मगर मैं कहता हूँ एक डॉक्टर अंदर भी बैठा है, अंदर वाला डॉक्टर ने बाहर वाले डॉक्टर को जो बता दिया उतना ही जानता है, अभी उसके पास बहुत कुछ है देने को, तो मैं तो आपके अंदर बैठा है उस डॉक्टर से आपका परिचय करवा दूंगा भाई, इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी, वो काम आपका, मतलब उसका नाम निरंतर जपना पड़ेगा, और नाम जब से क्या है कि आपकी कुंडलनी जाग जाएगी, कुंडलिनी से आप बाहर पूछते हो देवी के रूप में, राधा कह दो, अंबा कह दो, दुर्गा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, अपने वो नाम अलग अलग रखे हुए हैं, हमारे योग में उसको कह दिया कुंडलिनी, जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम होता है छोटा जैसा, उसमें 3.5 आटा लगा करके सोई रहती है, और अपने पूंछ अपने मुंह में दबाए रखते है, वो चेतन होकर के ऊपर उठने लगे, वो पृथ्वी तत्व मदर ऑफ यूनिवर्स है, वो अपने मालिक के पास यहां पहुंचने के लिए ऊपर उठेगी, जागृत तो जैसे भी खड़ी हो जाएगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगी, अब ऊपर उठे कैसे, पीछे से कोई धक्का दे तब ऊपर उठे ना, तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण अपान समान उदान और ज्ञान, हरेक वायु अपने अपने शरीर में अलग अलग काम करता है, अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है, जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठे कुंडलिनी को धक्का नहीं दे जब तक ऊपर उठेगी नहीं, हमारा धर्म पूर्ण साइंटिफिक है, रॉकेट ऊपर जाता है आप देखते हो नीचे स्पार्क होता है, इसी तरह का कुछ उसको लगना चाहिए, तो पहले इसमें 3 बंद लगते हैं, 3 बंद अपने आप लगेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप तो केवल यहां मुझे देखो आगे चक्कर पे, और जो नाम बताया वो जपो बस, इससे आगे आपकी ड्यूटी नहीं, और इससे कुछ नहीं परिवर्तन होता, तो मैं तो कहता हूं भाई दूसरा गुरु देखो, गुरु बना कोई फॉर्मुलिटी नहीं, दूसरा गुरु दूसरा जन्मदाता और उसका दीक्षा लेकर के वही खुट्टे करे जो पहले करे तो बाद में करते, फिर गुरु का क्या मतलब होगा, क्या किया गुरु, गुरु बनाना कोई फॉर्मुलिटी नहीं है, हालांकि इस वक्त ऐसा प्रोफेशन है इसमें सिर्फ आशीर्वाद देते हैं गुरु, और लेना देना नहीं है, इसलिए ठीक है बदनाम हो गया, गुरु 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 ने एक बहुत बदनाम पेशा है, कहीं कोई गुरु आया तो कोई पूछेगा कोई बात करेगा तो कहेंगे बोलेंगे नहीं सर भले आदमी कहेंगे तो कलेक्शन करना होगा, और क्या है
कमी पड़ गई रुपए पैसे, इसके अलावा कोई मान्यता नहीं है ये बात करते हैं। और आज तो आप देख रहे हो ओपन फीस लगती है, एंट्री फीस ये अंदर मंत्र अलग से अलग 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 मंत्र की अलग अलग फीस, पता नहीं क्या क्या लगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ये इसमें धन का रोल कोई काम नहीं करेगा। आप एचआईवी पॉजिटिव को 1 अरब रुपया दे करके नेगेटिव नहीं करवा सकते, और हो रही है जैसे तो ये दोनों डॉक्टर जब काम कर लेंगे तो कोई रोग असाध्य नहीं है। भैया ये संजीवनी मंत्र है, इसको जपो। आप सुन रहे हो अभी जीवन है, चाहे एड्स के बीमार हो, चाहे कैंसर के बीमार हो, चाहे कोई बीमारी हो, सुन रहे हो, अभी डेड नहीं हुए तो नहीं मरोगे इस जीवन में, उस बीमारी से नहीं मरोगे जिसको डॉक्टर्स ने असाध्य कह दिया। 16 साल से ये बेटर काम कर रहा हूं, 16 साल और हजारों लोग ठीक हो गए। और एक बात और बताऊ, मैसेज जो जा रहा है उससे मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं साइंस वालों को क्या कहूं अमेरिका में कि ये मेरी तस्वीर, मैं तो बराबरा कर लू, ये मेरी तस्वीर तो निर्जीव मैटर है, इससे योग होकर के ठीक क्यों हो रहे लोग, इससे क्यों ठीक हो रहे। अमेरिका में ध्यान करती है औरतें, मेरी तस्वीर का और योग हो जाता है, अपना हो जाता, इतनी हजारों कर रही। तो ये एक ऐसा विचित्र परिवर्तन मुझ में आ गया, बताऊं देखिए क्या आ गया। मेरे को भी आराधना करनी पड़ गई, परिस्थितियों ने मजबूर किया, लोगों ने कहा कि अरे आपको मार के इसकी दशा है, मार के इसकी, मैं नहीं जानता था मार के क्या होता है, पूछा तो कहने लगा ये होता है, मैंने कहा तो सभी कहता है, कहने का बचा जा सकता है, मैं कैसे, कहने का गायत्री जपो। तो गायत्री का सवाल मंत्र जपा मैंने, हर मंदिर के पीछे आहुति दी हवन कुंड में, उससे एक प्रकाश पैदा हो गया मेरे शरीर में। पहले मैं नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है, अब तो समझता हूं। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है गायत्री मंत्र में। अरे बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म हो, भाई आज तो नहीं उठना है, अगर आदत होता आंख खुल गई और ध्यान लग गया तो क्या देखता हूँ कि शरीर में कोई ऑर्गन नहीं दिख रहा, ना लीवर दिख रहा, ना किडनी, ना हार्ट, ना ब्लड सर्कुलेशन, ना किडनी, मैंने ऑर्गन्स कहाँ गए, ऑर्गन्स कहाँ गए, एक प्रकाश स्तंभ शरीर कैसे बन गया। मैं क्या दिखता तो आंख सही, अंदर प्रकाश, बड़ी आश्चर्य की बात। फिर उसमें एक भौरे की गुंजन सुनाई दी पेट में, उस पर कंसंट्रेट हुआ तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा नाभि से, कंठ से नहीं, नाभि से। वो जैसे साइकिल की चेन चलाते रहो, कोई ब्रेक नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं, इसी तरह से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, मैं बहुत देर तक सुनता रहा, समझे समझे। फिर सुबह टाइम था तो नल के कारण से पानी पड़ा, आवाज से ध्यान कम हो गया, फिर बहुत आंख पंख के देखा कुछ नहीं हुआ। मैंने चलो 3-4 महीने से एक ही रट लगाया हुआ था तो ख्याल रह गया, लोगों ने बताया कि आपको सिद्धि होगी, ये होगी, तो मुझे कहा जी इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग खूब धन देंगे, लाखों रुपए हमारा डर हो जाएगा। फिर मेरे समझ में आ गई कुछ गड़बड़ तो होगी, तो मैंने कहा भैया ये काम तो बहुत महंगा है, सोना देव लो आगे ये मैंने देखा, आके समझाने से नहीं मान, तो एक एक सर्टिफिकेट दे के गए कि ये जाट है, इसमें अकल नहीं है, ये नहीं बनने का, समझे। फिर मैंने कहा मंत्रों से ऐसा होता है कि स्वामी विवेकानंद जी आके उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा गुरु गोविंद नाथ जी को गुरु बना लिया, जाम सर बैठते थे, समझे समझे। आज भी बरसी होती है, हर साल वो मृत्यु के जिस दिन डेथ हुई थी उसके ऊपर वो बरसी बोलते हैं उसको, भंडारा अलग चीज है। अभी है 3 जनवरी को जाम सर में है, कोई जाना चाहे तो जा सकता है, मुझे तो उसी ने दी है जानसर वाले। मैं देखिए नौकरी करता था पहले रेलवे में हेड क्लर्क था, इन्होंने जाते हुए आदेश दे दिया बेटा आगे काम के रोक करना है, तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया 7 साल पहले। अब इसकी नौकरी है गंगाई नाथ की, पहले रेल की नौकरी है भाई, डिपार्टमेंट बदला है, सही बात है,
समाधि में प्रार्थना कर गया है, आज पेट वाला मामला तो चालू रहे, बाकी दौलत मुझे नहीं थी। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ गया मुझ में, वो आप सब में आ सकता। नाम जब करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अच्छा, तीन बंद रखते हैं, जो ही कुंडलिनी नाभि से ऊपर उठे दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते ये कंठ कूप है, ये कंठ का गड्ढा, यहां से ऊपर उठे तो तीसरा बंद लग जाएगा, इसे कहते हैं जालंधर बंद। अब बाकी हिस्सा जो होता है गैरेज की हड्डी का, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम शुरू होता है। आज तो लोग प्राणायाम पहले शुरू करवा देते हैं। प्राणायाम तो अंतिम क्रिया है। प्राणायाम जब पूर्ण कुंभ हो जाता है तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर उठ जाती है, तो साधक समाधिस्थ हो जाता है। समाधि लगने में मृत्यु का रहस्य पता नहीं लगता। मेरे गोड्डे में दर्द है तो दर्द की तरफ ध्यान जाएगा, आज्ञा चक्र से ऊपर निकलने का प्रश्न ही नहीं है। तो हमारे नाथ संप्रदाय में नौ नाथ आज भी अमर है। मच्छेदर नाथ आदि गुरु थे कलयुग के, उन्होंने इस योग के बारे में कहा है कि ये भारतीय योग दर्शन में जो जिस योग का वर्णन है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर टैकल करते हैं, स्पिरिट का मामला आते ही पिछड़ जाता है। और मैंने वेस्ट में यही कहा है, भैया मैटर प्लस स्पिरिट काम जब ही पार पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, गठिया, अस्थमा, डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या बीमारियां है शारीरिक, वो सब ठीक हो जाएगी बिना दवाई के। अच्छा, कई लोग कहते हैं ले दवाई की नहीं ले। मेरा जो 10 साल का अनुभव है उसमें यह है कि दवाई को लोगे और साथ ये भी जपोगे तो आस्था दो जगह डिवाइड हो जाएगी, तो टाइम लगेगा ठीक होने में, 3-4 महीने लग सकते हैं। और केवल मंत्र प्रवेश हो जाइए 45 दिन में ठीक हो जाए हो रहे हैं। जो रोगी की शक्ति पर निर्भर के बिल्कुल ही बैठ गया है तो दवाई चलने दो, और अभी चलता फिरता है तो कोई जरूरत ही नहीं है दवाई की, ठीक हो जाएगा चाहे कोई रोग हो। ये संजीवनी मंत्र है, अभी जिंदा हो इस रोग से नहीं मरो। मैं ये चैलेंज 10-15 साल से दे रहा हूं और सारे ठीक हो रहे, मगर गुरु मांगना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये नाथ जी को नहीं मानता तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये नाथ जी की कृपा से हो रहा है भाई। अब वो महर्षि अरविंद ने कहा है कि कोई गुरु अगर मंत्र देता है शिष्य को, वेदों का देता है, उपनिषदों का देता है, ईश्वर के नाम का देता है, तो उसकी आवाज में ये ताकत होती है। अब आप सुन रहे हो जो पहले पहले आए हो तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, कह रहे हैं तो कैसे होगा कैसे, तो ये आवाज जो आ रही है ये एक एनलाइटेड बॉडी में से आ रही है, एक ऑर्डिनरी बॉडी में से नहीं आ रही, एनलाइटेड होगी ठीक है, पूर्व जन्म के संस्कारों से होगी समझो। तो फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी, दोनों सिद्धियों होगी। अरविंद ने कहा कि एक आदमी हमारे यहां देखिए आराधना के दो तरीके, एक तो सन्यासी से दीक्षा लेकर के मंत्र जप करते, दूसरे मंदिर जाने वाले तुलसी चंदन मंत्र लिया कृष्ण के मंदिर में गए, और दोनों मुक्ति पा रहे, दोनों मुक्ति पा रहे। मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है, सहस्रार में जहां मालिक बैठा है। अरविंद ने कहा कि यह विकास अगर एक आदमी में हो जाए, मतलब दोनों सिद्धियां, मतलब गायत्री की और कृष्ण की दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में एक ही फिजिकल बॉडी में हो जाए, तो फिर मानव मात्र के लिए समस्या प्राप्त हो गया, पूरी मनुष्य जाति के लिए एक हो गया, वैसा हर मानव हो सकता है, आप सब हो सकते हो मेरे जैसे, कोई वंडर नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। अब आश्चर्य इसलिए कि आज तक ऐसा हुआ नहीं, समझे, और भी हो भी रहा मेरे जैसे एक साधारण आदमी के पास जिसके पास कोई साधन नहीं, तो आज तो धन का बोलबाला, मगर धन से ठीक होता तो आज अब तक अमेरिका सारे लोग ठीक नहीं करवा देते, मेरे पास क्यों आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पूरा देश बॉम्बे जाता है इलाज के लिए, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि बॉम्बे मेरे बहुत प्रोग्राम में,
तो इस प्रकार नाम जो पर ध्यान से ध्यान जब करो तो योग होगा, योग होने से सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएगा, चाहे छोटी सी बीमारी थायराइड 7-8 दिन में ठीक हो जाती है, नहीं तो जीवन भर दवाई ले डॉक्टर के पास। साल महीने में 2-3 विजिट दे, कभी एक गोली, कभी आधी गोली, कभी डेढ़ गोली, या तो 7-8 दिन में गोली बंद। ये 2 तरह का होता है, हाइपर और हाइपो। मतलब ये कोई निराकर नहीं हो रहा है, ये कोई ये आदमी होने वाला ड्यू लेता है भाई। हमारा ऋग्वेद कहता है मनुष्य शरीर के रत्न 7 प्रकार के सेल से होगी, उसमें आत्मा। फिर वैदिक ऋषि जब अलग अलग सेल्स की बात करते हैं तो पहले वो मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से बनने वाला कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष को पश्चिम ने खूब चेतन कर लिया। मैं इसीलिए गया था अमेरिका, मैंने कहा केवल विज्ञान से पार नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले 3 कोष चेतन होंगे मानव जाति में, सचित आनंद, जिसे हम कहते सत प्लस चित प्लस आनंद, सचिदानंद। भगवान कृष्ण को सचिदानंद कहते हैं, सचित आनंद। मैं उसी के नाम की दीक्षा देता हूँ, राधा और कृष्ण के नाम की दीक्षा देता हूँ। तो ये विकास जब आ जाएगा मानव जाति में, तब फिर कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा। मैं ये प्रैक्टिकल हूं, पहले तो कहता कहता था, कहना कोई मानता नहीं, अब कहना बंद कर दिया। आप प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, आ जाओ फैसला हो जाएगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, कैंसर रेट ठीक हो जाएगा फ्री, समझे चंद्र। मगर गुरु मानना पड़ेगा, और मैं बताऊं उस मंत्र को ही जपना पड़ेगा, उसमें एडिशनल अल्टरेशन नहीं चलेगा, समझे समझे। कोई ओम आगे लगाते हैं, कोई नमः पीछे लगाते हैं, ये नहीं है। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस अद्वैत दर्शन की बात कही, अप्रूव किया। अद्वैत दर्शन मतलब क्या है, अब जानते हो, दो है नहीं, एक ही परम सत्ता अंदर बैठी है, एक ही परम सत्ता राम सब के अंदर बैठा है, गठगर का वासी, ये अद्वैत बात है, मैं इसको मूर्त रूप दे रहा हूं। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य पहले से प्रूव कर गए, मगर अभी बीच में हमारी मतलब जो संस्कृति थोड़ी पतन की तरफ चली गई थी, इसलिए ज्ञान लोप हो गया, लोप हो गया, फिर वापस सरफेस में आ गया और पूरे विश्व में फैलेगा। तो ये 3 कोष चेतन हो जाएंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए अरविंद ने कहा आगामी मानव जाति दिव्य शरीर दान करें। इस प्रकार जो शारीरिक रोग है वो इससे ठीक हो जाएंगे योग से, बिना दवाई। दूसरे होते हैं मानसिक रोग, मानसिक रोग जो है वो 80% की 80% बीमारियां मनोरोग से होती है, मानसिक टेंशन से होती है। डॉक्टर्स के पास मानसिक टेंशन को खत्म करने के लिए कोई दवाई नहीं, कोई मतलब ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जिससे टेंशन खत्म हो जाए। वो नशे की दवाई देते हैं, 4-6 घंटे असर रहता है, जब तक असर रहा सुख शांति नहीं, असर खत्म हो तो वो रोग वैसा वैसा, वो टेंशन वैसा। मानसिक टेंशन नहीं खत्म हो पा रहे डॉक्टर, वो नशा वास्तव में एक दवाई है, ये हम भी मानते हैं, समझे समझे। मगर वो नशा मैटर का नहीं होना चाहिए, स्पिरिट का होना चाहिए, समझे समझे। वो नशा स्पिरिट का होना चाहिए, तो मैं जो आपको मंत्र दूंगा वो कृष्ण के नाम का, उसमें उससे आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, समझे। अब वो हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी का नाम कुमारी, नानक देव जी महाराज ने कहा भांग तुरा नाम का उतर जाए पर बात, भांग तुरा लोग पीते आप देख दो, रात भर सो सुबह नशा सा, भांग तुरा नाम का उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नाम का चली रहे दिन रात। ये बार कबीरदास ने कही है नाम अमल उतरे न भाई, नाम का नशा कर रहे और अमल चिंचिन चिंट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो गीता में भगवान ने इसको आनंद कहा है, दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, अनंत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। गीता में 5 श्लोक है, 5वें अध्याय में 21वां श्लोक, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15, 21, 27, 28, समझे समझे। तो वो जब वो नशा उतरता नहीं, डॉक्टर वाला उतर जाता है, इसलिए रोग खत्म हो रहे, इसलिए टेंशन से रिलेटेड सारे लोग इस नाम के नशे से ठीक हो जाएंगे, समझा।
शारीरिक रोग ठीक हो कसर से जो कुंडली नहीं करवाएगी, पहले आपका आसन बदलेगा, फिर बंद रखेंगे, फिर कुंडली ऊपर पहुंचेगी, यहां से ऊपर गए तो समाधि लग जाएगी। तो मतलब रोग पूर्ण रोग मुक्ति होने के लिए समाधि होना बहुत जरूरी है, पर अब नहीं हो रहा। ये तो आज तो मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, मेरे हिसाब से योगाचार्य से ज्यादा वो करेक्ट है। तो इस प्रकार मानसिक रोग खत्म, शारीरिक रोग खत्म, नशे छूट जाते। अब नशे छूट रहे हैं इसके लिए वैश्य को बहुत परेशानी है नशे से। वो लोग मुझे कहते थे, कहने लगे कि हम तो भगवान भगवान से डरते नहीं है, हीरोइन मारेंगे, छूटती नहीं। अब फिर शराब बीड़ी सिगरेट तक नहीं छूटती, जोर लगा दिया तो हमारे यहां तो छूट जाती है, चंद दिनों में छूट जाती। तो ये सब वृत्ति बदलने से होता है। आपको मालूम है त्रिगुण में ये माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो तांत्रिक ग्लैंड जो है वो डिमांड करते अंदर नशा, ये डेट शराब वगैरह, वो डिमांड जो है उसको साइंस खत्म नहीं कर पाती, उसे छीनती है। उस छीना जब के में साधक वो बीमार जो है मर जाता है, फिर उनका बीमार तो छोटा था तो मर जाएगा। किराड़ा एक गांव है हिसार के में हरियाणा का, वो एक आदमी जो है इंट्रावेनस हीरोइन के इंजेक्शन खा लेते, लगाते लगाते रोज के 10-12 लगा, अपने आप लगाने लगा तो घर वालों को पता लगा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले गए, उन्होंने कहा ये छुड़वा देगा तो 10 दिन मर जाएंगे, नहीं तो 2 साल से ज्यादा नहीं जिंदा। वो मेरे पास आ गया और 5-4 दिन में सारी गोलियां नशा वशा छूट गया, आज भी वो जिंदा है। डॉक्टर कहते जी हमारे साइंस तो कहते हैं उसको जीने का अधिकार नहीं है, आज भी जिंदा है, इस हार में अपने कृषि भवन में ट्रैक्टर चला रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि ये वृत्ति बदल नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, एक अमेरिकन ने खड़े होकर जी महाराज आप लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हो, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी बड़ा पतला है, सारा सारे मीट शराब करने वाले लोग। तो स्वामी ने कह दिया चलते इस बीच में, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वस्तु आपको छोड़ जाएगी तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। कितने संत उपदेश देते हैं शराब मत पियोगे, फिर मत खाओगे, ये मत करोगे, कोई मानता है क्या? इधर से सुनता है इधर से निकाल दे। अब मेरे को मानने का, मैं कहता हूं मत छोड़ो शराब पीते हो तो एक ही जगह 1.5 बोतल आज से शुरू करो, हाँ चैलेंज, मगर नाम को नहीं छोड़ो। आज तक नाम अपने साथ नहीं चला, सर्व आदमी को छूट गया, गिनती क्या है लाखों में हो सकता है। बाड़मेर में अफीम छूट गई केवल मेरी तस्वीर से, अब साइंस वहां का जो परेशान है कि इसकी तस्वीर से इस सबके आड़े में होना शुरू, ये तो मुझे परिवर्तन आ गया भाई, इनोसेंट वे में आ गया। आज जो वो बनना नहीं चाहता था, मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी और बहुत ईगो वाला आदमी रहा जी। तो इस प्रकार नशा छूट गया, शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, भौतिक सुख तो मिल गया ना। अब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा चौथे अध्याय में, यदा धर्म से ग्लानिर होते, वो युग आ गया, समझे समझे वो युग आ गया। और सारे संसार के धर्मों की एक जैसी स्थिति है, हमारी नहीं है। मैं इजराइल गया था, वहां भी यहूदियों की हालत है, अमेरिका वहां भी अमेरिकन की वही हालत है, और सब यही कहते हैं धार्मिक क्षेत्र की बात। देखो जी ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, हमने कहा हम करें, देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, बुद्ध ने किया, सब कह रहे पीछे देखो पीछे, और हम देख रहे पीछे और चल रहे आगे, देख रहे पीछे चल रहे आगे, ठोकर नहीं लगी गड्ढा में नहीं करोगे क्या होगा, आगे चलने की कोई बात नहीं बताता, आगे आगे मौत से आगे चलो, आगे तो मौत है ना, मौत क्या है इसकी जानकारी किसी को समय तो मालूम नहीं है, वो ठोकरे खा रहे परेशान हो रहे सारे विश्व के धर्म, एक धर्म
सब धर्मों की एक स्थिति। अब वो पातंजलि योग दर्शन की बात करने वाले लोग ये बताना भूल जाते हैं कि पातंजलि योग दर्शन में तीसरे चैप्टर में विभूतिपाद विभूतिपाद उसमें ऋषि ने कहा है कि जब साधक को प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे छह सिद्धियां प्राप्त होती है। उसमें पहली सिद्धि ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। तीसरी अंक से ये जब तक दसवां द्वार नहीं खुलेगा न योग है न कोई ध्यान है, इसलिए यार गुरु को देखते हैं आज्ञा चक्र पे। गुरु मन को अरेस्ट कर लेता है। गुरुत्वाकर्षण का नाम ही गुरु है, ये तो शरीर गुरु थोड़े है, ये तो अभी मर्यादा दो चार साल में गुरु तो आपके अंदर बैठा है। तो हमारे विज्ञान में टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरे में हो, मैं आप में हूं, आप जहां याद करोगे जिस समय याद करोगे मैं प्रेजेंट रहूंगा। ये गुरु अगर वास्तव में गुरु है तो ओमनी प्रेजेंट। और ठीक है प्रोफेशनल है तो आशीर्वाद दे दो, जो है ले जाए रात उसी में चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं, फीस भी लगाई जा रही है। अब एक अच्छा भी पॉजिटिव होने के बाद में मैंने वेस्ट में भी कहा 1,000,000 रुपया दे दूंगा अगर ठीक हो तो, और वो बदनाम हो रहा। तो इस प्रकार ध्यान जब करोगे तो आपको अनलिमिटेड पाथ फ्यूचर दिखेगा सुनाई देगा। विज्ञान भी मानता है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉपर यंत्र है तो आप उसको सुन सकते हैं। हमारा योग कहता है कि जब आवाज है शब्द है तो बोलने वाले कोई रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो ये दिखाते हैं रिप्ले दिखाते क्रिकेट वाला, मैंने ये तो रिप्ले दिखाना है डन इज डन, वो महाभारत हो गया वो अन्न थोड़ी होगा। अभी आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, क्या बुरागढ़ है वो आदमी देख सकता है। ये खुली चुनौती है विज्ञान को, समझे समझे आ नहीं रहे तो सामने आ नहीं रहे। पश्चिम को बड़ा गर्व है, साइंस इज गॉड, मैंने अमेरिकन का गला गॉड इज साइंस चुप हो गए। मैंने कहा ईश्वर ने मनुष्य को कहता है साइंस को बाद में सीखी तो साइंस को भगवान बना दिया, तुम्हारा भगवान ठीक क्यों नहीं कर पा रहा था और हमारा वाला भगवान ठीक कर रहा है। तो इस प्रकार मतलब ध्यान की स्थिति में आपने कई आदमियों की मौत देख ली, अपने कई परिचितों की मौत देख ली, आया उसको जाना है 20 में 30 में 50 में 100 में। और आप सब जानते हो ना मरना तो पड़ेगा ही, बचना कोई उपाय नहीं, फिर क्यों डरते हो। तो इस मतलब माया ने मौत का ऐसा डरावना बना दिया वो मतलब कोई उसे नहीं स्वीकार करता, वो किसी को छोड़ती नहीं। तो इस नाम के पर ध्यान से माया का आवरण छीन हो जाएगा, मौत की सच्चाई सामने आ जाएगी। तब फिर देखोगे कि तो ऐसा वरदान है ईश्वर का जो नंबर में से छुटकारा दिलाता है, जल्दी आवे डरोगे नहीं। कभी ने कहा इस बारे में जा मन से जल डरे मोरे मन आनंद कब मरी हो कब पाई पूर्ण परमानंद। तो ये स्थिति आपकी इसी जन्म में हो जाएगी, चाहे किसी जाति के हो किसी धर्म के हो किसी वर्ण के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीरी शिव सिद्धार्थ जो है आज को कश्मीर के नाम से तो सिर्फ लड़ाई झगड़े कोई बात नहीं, कश्मीरी शिव सिद्धार्थ तो मानव मात्र में इस परिवर्तन की बात करता है। मैं कश्मीरी शिव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूं। तो प्रातिक ज्ञान जो प्राप्त हो जाएगा तो ध्यान की स्थिति में आपने कई अपने परिचितों की मौत देख ली, कैसे मरेगा क्या मरेगा। और वो मरते गए 10, 20, 30। एक आध होता है एक्सेप्शनल मान के छोड़ दो, 10, 20, 30 जैसे दिखे वैसे मरे। तो और कल को ख्याल आ गया तू को खा मरेगा तो दिख जाएगा कैसे मरोगे, अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में मरोगे दिख जाएगा। तो अपने वाले दिखे तो घबरा गया, दुनिया भर अपने गले में और आपको मौत दिखी तो फिर जो घोटे करे थे जीवन में वो सामने आ जाता है। दुनिया से तो छिपा दो, अपने आप से कोई छिपा सकता है कि मैंने क्या नहीं किया क्या किया। और उसको देख करके जो खोटे कर तो ये फिर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान तू तो दयालु है ना, सुना है तू दयालु है
तो मेरी तो गलती होगी, मैं नालायक था, अब माफ करता, आएंगा नहीं करूंगा। फिर वो उसको जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी, वह आंख बंद करके प्रार्थना करता है, यहाँ प्रभु अब की बता दे। पलक उठते हो तो अंदर ही बैठा है, सारा ब्रह्मांड अंदर, तो ब्रह्मांड का रचयिता अंदर है, साक्षात्कार हो जाएगा उससे, और उससे साक्षात्कार हो जाएगा, इसका मतलब जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा, इस साइकिल से आदमी मुक्त हो जाएगा। मेरा ऑब्जेक्ट यह है, मेरा ऑब्जेक्ट रोग है ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं ठीक करता हूं। वो ठीक करने वाला आपके अंदर बैठा है, बाहर वाला से आप इलाज करा और अंदर वाले से जुड़ जाइए, फिर देखिए कैसे नहीं होता ठीक हो रहे हैं। तभी तो लोग आ रहे हैं, लेकिन देश के कौन कौन से आए हैं बेचारे, समझ। तो इस प्रकार कबीर ने कहा, एक और उदाहरण कबीर का, कबीर ने कहा जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। कबीर कहता है एक मट्टी का घड़ा है, पानी से बराबर, पानी में पानी के अंदर रख दो तो घड़े के अंदर भी पानी बाहर भी पानी। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। विघटा कुंभ जल, जल ही समान है, ये गति विरलन का नहीं। कभी कहता है मट्टी का है, घड़ा गड़ जाए फूट जाए, तो फिर बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक। तो ये जो घड़ा लिए बैठे हो ना, ये तो आज नहीं कल गड़ रहा है भाई। अगर जन्म मरण के चक्कर से छुटना चाहते हो तो नाम जब पर ध्यान लगा दो, नाम की जड़ी, ये नाम जब मत छोड़ना, नाम चाहती, नाम का नशा नहीं आएगा तो ध्यान नहीं ले लेगा। तो नाम जब हर समय जब उठते बैठते खाते पीते इकट्ठे रहते पेशाब करते, कोई इसमें कोई रोक नहीं। हाँ, बोल के जपो तो फिर नावो दो आसन में बैठो लगन के कोई शुभ कर्म, मानसिक जप में कोई गायत्री मंत्र मानसिक जप कोई भी कर सकता। तो ये एक तरीका है मतलब जीवन में परिवर्तन लाने का। अब वो मंत्र बताओ मैं आपको, उससे पहले एक और थोड़ी मर्यादा बता दूं। महर्षि अरविंद ने कहा है कि मंत्र गुरु द्वारा दिया हुआ ही काम करता है, गुरु के मुंह से जो मंत्र दिया वही काम करता है, किताब से पढ़ा हुआ नहीं करता। और उसको भी मास्टर कहा है, सीक्रेट कहा है, गुप्त है वो सारी समझा। भगवान का नाम लेने से भौतिक समस्याओं का अंत नहीं होता, फिर नाम ही क्यों लो। मगर जिसने लिया ही नहीं वो उपदेश देवे और खुद उसे उल्टा चले तो फायदा नहीं। तो मुझे करना पड़ गया, मुझे जपना पड़ गया। राजीव जी तो मैंने भी नहीं जपा भाई, परिस्थिति ने मजबूर किया और यहां तक पहुंचा दिया। तो गुरु का आदेश है तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाए, पात्र उल्टा रखोगे मेरे बस की बात नहीं। और गुरु के प्रति समर्पित भाव, और गुरु कुछ नहीं चाहता, समझा। अब वो मैं तो मेरी आवाज में जो परिवर्तन आ गया, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में स्पीच दे रहे थे तो किताबी ज्ञान तो बोल दिया, अब आज क्या बोलेंगे। और फिर चले गए स्टेज पे बोलने लगे, जब नीचे उतरे तो कहने लगे आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा बची। तब उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्म था कि मैं बोल रहा हूँ, रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे तो मुझे वो ब्रह्म नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नाथ जी बोल रहे हैं, गंगा नाथ जी, मैं तो उनका एक माहिक हूँ भाई, ये आवाज तो उन्हीं की है, सीधी बात है। तो इस प्रकार अब वो मंत्र बता दूंगा।